आपने दुनिया में बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो फेमस, प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं होती। कुछ लोग अपने मेहनत से दुनिया भर में फेमस होते हैं, तो कोई लोग ऐसा काम कर देते हैं जिससे मानवता, इंसानियत शर्मसार हो जाती है। और ऐसा काम करते समय वो आगे पीछे नहीं देखते, वो बस अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपना शौक पूरा करने के लिए ऐसे काम करते हैं। तो आज मैं ऐसे दो लड़कियों, दो दोस्तों की कहानी बताऊंगा जिन्होंने फेसबुक पर फेमस होने के लिए ऐसा घिनौना काम किया। आप भी सोचोगे कि कोई फेसबुक पर फेमस होने के लिए इतने घिनौना, इतने नीचे तक कैसे गिर सकता है। तो चलो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। हाय दोस्तों, दिस इज सिद्धार्थ, वेलकम टू माय चैनल, सीट का चैनल। आपको इस चैनल पर बेहतरीन और इंटरेस्टिंग जानकारी मिलती है और मिलती रहेगी। तो चलो कुछ सीखते हैं। रूस में रहने वाली एलिना एंड ओरलो नाम के दो लड़कियों को, दो दोस्तों को हाल ही में जानवरों पर अत्याचार करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोस्तों आपको बता दूं कि जो एलिना नाम की लड़की थी, वो लगातार कुत्तों और बिल्लियों पर तरह तरह के अत्याचार करके उन्हें मौत के घाट उतार देती थी। अपने इस भयानक काम को वो कैमरा में रिकॉर्ड करती थी और कुछ फोटोज, वीडियोज सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती थी। उसका कहना था कि ऐसा करने पर उसको बहुत फेम और प्रसिद्धि मिल रही थी। पुलिस का ये कहना है कि ये दोनों लड़कियां इस तरह का घिनौना और डरावना काम करने के लिए किचन से चाकू और छुरे का इस्तेमाल करती थी। दोस्तों आपको बता दूं कि एलिना ने जो फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड किए हैं, वो बेहद ही डरावने और दर्दनाक है। एक फोटो में फर्श पर बहुत खून बिखरा हुआ है और बाजू में कुत्ते की लाश पड़ी हुई है। दूसरी फोटो में एक बिल्ली को दीवार पर लगी हुई खूंटी से गर्दन के सहारे उसे लटका दिया गया है। तो वही एक फोटो में कुत्ते पर चाकू से वार करते हुए और उसके गले में जो पट्टा होता है उसको खींचते हुए नजर आ रही है। आपको बता दूं कि एलिना इस तरह का घिनौना और दर्दनाक काम लगातार करती रही, तब तक जब तक जानवरों को चाहने वाले लोगों की नज़र उसने डाले हुए फेसबुक पर पड़ न जाए, तब तक ऐसा घिनौना काम वो करती ही रही। इस द्वारा आसपास के कई लोगों को उसके घिनौने हरकत का पता चलने लगा। आसपास के लोगों ने बाद में एक याचिका साइन की और उसकी शिकायत पुलिस में की। आपको बता दूं कि उस याचिका में 1,86,000 लोगों ने उसको गिरफ्तार करने के लिए, उसकी शिकायत करने के लिए उस पर दस्तखत किए थे। इतने लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने उस क्रूर एलिना और ओरलो को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो दूसरी लड़की थी ओरलो, उसने अपने ऊपर लगाए हुए आरोपों को नकारते हुए उसने अपने दोस्त एलिना पर आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि ये सब काम एलिना का है। एलिना के कहने पर वो बस फोटो खींचती थी और फोटोशॉप में फोटो एडिट करती थी। लेकिन पुलिस ने उसके बातों को माना नहीं और बाद में उन दोनों को सजा मिली। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये दर्द भरी जानकारी वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नए और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद।